हेलो बच्चों टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पोएम नंबर सिक्स द वंडरफुल वर्ड्स इट इज़ रिटन बाय मेरी ओ नील सो दिस पोएम इज़ ऑल अबाउट द रोल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज स्किल्स इस पोएम में शब्दों के महत्व को बताया गया है कि शब्द हमारे जीवन में कितने इम्पॉर्टेंट हैं बिना वर्ड्स के आप इमेजिन करो अपनी बातों को आप कैसे बताओगे दूसरों को If you don't have words, you will not be able to express your thoughts. So this is what you are going to see in this poem. So let's read it line by line. So children, these are the opening lines of our poem. Let's see what is written. Never let a thought shrivel and die for want of a way to say it. कभी भी अपने विचार को मरने मत दो, मुरझाने मत दो. सिर्फ इसलिए कि मेरे पास तो शब्दी नहीं है इने बताने के लिए. श्रिवल का मतलब होता है मुरझाना तो यहाँ पे बताया गया है कि जो भी विचार वट एवर थाट कम्स इन योर माइंड डोंट लीव इट जस्ट बिकॉज यू डोंट हैव वर्ड्स वर्ड्स तो मिल जाएंगे फॉर इंग्लिश इज़ अ वंडरफुल गेम यहाँ इंग्लिश कोई भी भाषा हो सकती है यहाँ इंग्लिश बताया गया है इज़ अ वंडरफुल गेम यानी कोई भी लैंग्वेज हो वेदर इट इज़ हिंदी और इंग्लिश और राजस्थानी जो मारवाड़ी आप बोलते हो कोई भी भाषा हो विचार व्यक्त करने आने चाहिए वी शुड नो हाउ टू एक्सप्रेस अवर थॉट्स लैंग्वेज जो है एक बहुत अच्छा गेम है एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट इस लैंग्वेज को कोई भी इस्तेमाल कर सकता है अपने विचार दूसरों को बताने के लिए ऑल दैट यू डू इज मैच द वर्ड्स टू द ब्राइटेस्ट थॉट्स इन योर हेड इस लाइन का मतलब क्या हुआ बेटा ऑल दैट यू डू इज मैच द वर्ड्स यानी आपके थॉट्स और आपके शब्द दोनों को मैच करना है जैसे आपको जूनियर क्लासेज में बताया गया था कि मैच कीजिए तो आप मैच करते हो ना ए फॉर एप्पल उसी तरह आपको अपने थॉट्स और अपने वर्ड्स दोनों को मैच करना है बस इतना ही है टू द ब्राइटेस्ट थॉट्स इन योर हेड जो भी विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं उन्हें शब्दों से मैच करिए सो दैट दे कम आउट क्लियर एंड ट्रू और जब आप ऐसा करोगे प्रॉपर मैच कर दोगे अपने थॉट्स और वर्ड्स को तो क्या होगा जो भी बात आप बताना चाहते हो दूसरे को सामने वाले को वो बात बहुत ही क्लियर और बहुत ही सच्चे तरीके से सामने वाले के आगे जाएगी सो यू कैन प्ले विद दर्ड्स द लैंग्वेज इज अ वरफुल गेम टू प्ले विद तो वर्ड्स का ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे तरीके से इस्तेमाल कीजिए एंड handsomely ग्रूम्ड एंड फेड ग्रूम्ड तैयार करना फेड यानी खिलाना यानी आप अपने विचारों को जब अच्छे से तैयार करोगे शब्दों के द्वारा अच्छे से शब्द उनको खिलाओगे जैसे हमें पेट भर के खाना खिलाया जाता है है ना तो हमारी बॉडी अच्छी रहती है उसी तरह से जब आप अपने विचारों को वर्ड्स खिलाएंगे तो विचार भी जैसा आप चाहते हो वैसे ही सामने आएंगे फॉर मेनी ऑफ द लवलीएस्ट थिंग्स येट बीन सेड हो सकता है बहुत सी ऐसी अच्छी चीज़ें हैं जो आपने अब तक ना कही हो क्यों ना कही हो क्योंकि आपके पास शब्द नहीं है कई बार आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है लेकिन आप बस गुड फाइन ये बोल के रह जाते हो है ना तो कोशिश करो अपनी वोकेबलरी अपनी डिक्शनरी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कि आप कितने अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ करके सामने वाले को इम्प्रेस कर सकते हो तो यहाँ पोएट भी आपको यही कहना चाह रहा है ही इज लेइंग स्ट्रेस ऑन लर्निंग अ लैंग्वेज वो जोर दे रहा है कि आप किसी भी जरूरी नहीं है इंग्लिश किसी भी भाषा को बहुत ही सही तरीके से और पूरी तरीके से सीखिए ताकि आपको कभी भी वर्ड्स की कमी महसूस ना हो आप बहुत ही सुंदर और अच्छे वर्ड्स के द्वारा अपने थॉट्स को सामने वाले के आगे रख पाओ पोएट आगे कह रहे हैं वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट जिस तरह हमारी बॉडी एक छोटा सा बच्चा होता है तो विदाउट क्लोथी तो आता है वो दुनिया में है ना लेकिन जब हम उसे बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहनाते हैं बहुत अच्छी एक्सेसरीज पहनाते हैं तो वही कितना ब्यूटीफुल लगता है जैसे आप सब बहुत ही क्यूट हैं छोटे छोटे बच्चे हैं ना जब आपका बर्थडे होता है तो आप कितने अच्छे से रेडी होके आते हैं तो कैसे लगते हैं आप बहुत अच्छे लगते हैं सेम वे हमारा थॉट है थॉट दिमाग में है वो आपके दिमाग में है आपके पास बैठे आपके फ्रेंड्स को भी नहीं पता कि आपके दिमाग में क्या थॉट है लेकिन जब आप उसे कपड़े पहनाएंगे यानी शब्द देंगे तो वो सुंदर लगेगा है ना सो so, वर्ड्स क्या है दे आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट दे गिव इट इट्स बॉडी एंड स्विंग जब आप वर्ड्स को उसके फूड और ड्रेस देते हैं तो उसकी बॉडी को एक स्विंग मिलता है एक लय एक ताल मिलती है एंड एवरी वन लॉन्गिंग टूडे टू longing का मतलब होता है इच्छा हर किसी की इच्छा होती है कुछ अच्छा सुनने की सम फ्रेश एंड ब्यूटिफुल थिंग्स ऐसे शब्द सुनने की जो अब से पहले कभी ना सुने हो तभी तो आप देखते हैं ना जो पोएट राइटर्स इतना अच्छा अच्छा लिखते हैं है ना उनको बहुत लोग तारीफ करते हैं उनकी दे गेट अ लॉर्ड ऑफ प्रेज वाई बिकॉज ऑफ देयर वर्ड्स उनके पास बहुत अच्छे वर्ड्स होते हैं आपको अगर किसी की तारीफ करनी है अपनी मम्मा की तारीफ करनी है मैम की करनी है फ्रेंड की करनी है तो आपको बहुत अच्छे वर्ड्स यूज करने होते हैं इम्प्रेस करने के लिए है ना तो शब्द जो होते हैं वो एक तरह से खाना और कपड़े हैं थॉट के ये बेटा हमारी पोएम का फाइनल स्टैंडा है बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट फ्रॉम इट्स प्रेजेंट बिहाइंड सबको पता है न जेल बिहाइंड योर आइज़ यानी आँखों के पीछे जो हमारे थॉट हैं वो बंदी हैं कैदी हैं वो हमारे दिमाग में हमारी आँखों के पीछे हमारे सर में दिमाग में वो कैद हैं अब उनको फ्री कब कर सकते हैं हम जब उनको वर्ड्स मिल जाए शब्द मिलेंगे तो दिमाग से होते हुए वो थॉट हमारे मुंह से निकलेंगे यानी वर्ड्स के थ्रू निकलेंगे वो सो वर्ड्स जो हैं वो आपके थॉट्स को फ्री कर सकते हैं मे बी योर माइंड इज होल्डिंग नाउ अ मार्वलस न्यू सरप्राइज हो सकता है आपके दिमाग में अभी भी कुछ ऐसा आइडिया या कोई ऐसा ब्यूटिफुल एक्सप्रेशन थॉट, कुछ है आपके दिमाग में जो आप बताना चाहते हैं लेकिन जब तक उसके लिए वंडरफुल शब्द नहीं मिलेंगे तब तक वो कोई काम कर नहीं है, है ना आप जितने अच्छे वर्ड्स यूज करेंगे आपको उतनी तारीफें मिलेगी यू विल अर्न प्रेज सो इट इज़ अ मस्ट टू लर्न एन परफेक्ट लैंग्वेज वर्ड्स का इस्तेमाल अगर आप अच्छे से करना चाहते हैं लोगों की तारीफ सुनना चाहते हैं तो आपको शब्द सोच समझ के और बहुत ही अच्छे शब्द इस्तेमाल करने होंगे सो so बेटा आपको इससे क्या सीखने को मिला है पोइट्री से आपको ये सीखने को मिला है कि, कि किसी भी लैंग्वेज पे मास्टरी करना बहुत ज़रूरी है यानी इतनी लैंग्वेज तो आपको आनी ही चाहिए कि आप अपने थॉट्स को बता पाओ राइट सो चिल्ड्रेन आई होप यू हैंडरस्टुड दिस पोएम कम्प्लीटली लाइन टू लाइन ठीक है अब इस पोएम से जो आपको सीखने को मिला है उसको भी फॉलो करेंगे दैट इज आप लैंग्वेज पे अपना कमांड और बढ़ाएंगे कोशिश करेंगे कि लैंग्वेज और ज्यादा से ज्यादा हम सीखें अच्छे से अच्छे वर्ड्स हम इस्तेमाल करें चाहे वो किसी की तारीफ के लिए करने हो, चाहे हमें आंसर्स लिखने के लिए करने हो, बट वी शुड लर्न न्यू वर्ड्स एवरी डे ओके Have a good day.